बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मानो। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही झटपट सा अंडा करी। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी मजेदार रेसिपीज मिलती रहे। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं अंडा करी की। मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बटर शामिल किया है। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है ताकि बटर जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। बटर देखिए अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी मसाले। मैंने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, पिंच ऑफ मैंने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल किया है और पिंच ऑफ ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी मक्खन में सारे मसालों को। अंडे मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं, अब मैं इसको बटर में शामिल करूंगी। तकरीबन मैं अंडों को 1 मिनट तक के लिए फ्राई करूंगी बटर में। अंडे देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी पैन में अंडे के लिए ग्रेवी तैयार करूंगी। 4 खाने के चम्मच तकरीबन मैंने इसमें शामिल किया है ऑयल। 1 मैंने बड़े साइज की प्याज को चॉप करके रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको तेल और बटर में अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी प्याज को। प्याज अब हमारी हल्की सी ब्राउन हो रही है, अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करूंगी। साबुत मसाले में मैंने 1 तेज पत्ता लिया है, 4 से 5 मैंने काली मिर्चें शामिल की हैं और 4 से 5 मैंने लौंग ली है और 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का इसमें ऐड किया। अब हम इसको प्याज में अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से साबुत मसालों की खुशबू आ जाए। अब मैंने 2 टमाटरों का पेस्ट बनाया हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स करती हूँ। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है सारे टमाटरों को, प्याज टमाटर सब चीज़ों को। अच्छी तरीके से थोड़ा भून लेंगे हम तेज आंच पे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मसाले। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जीरा पाउडर शामिल किया है। अब मैं अच्छी तरीके से सब मसालों को तेज आंच पे थोड़ा भून लूंगी। अच्छी तरीके से तेज आंच पे मैंने मसाले को भून लिया। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि सब मसाले अच्छी तरीके से पक जाए। लीजिए 5 मिनट हो चुके हैं और कितने अच्छे तरीके से मसाला भुन चुका है। प्याज और टमाटर भी अच्छी तरीके से घुल चुके हैं और ज़बरदस्त सी हमारी करी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अंडे। अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स करूंगी मसाले में अंडों को। अब मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें शामिल कर रही हूँ। गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है और 2 से 3 मैं हरी मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ जो मैंने इनको कट करके रखा हुआ है। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार अंडा करी जो है वो रेडी हो चुका है। चले मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है अंडा करी की। उम्मीद है मुझे आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मुझे लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।